begin story, ठीक है। तो मैं आपको अभी टॉपिक का नेम नहीं बता रही, हम स्टोरी से अंडरस्टैंडिंग देंगे तब हम टॉपिक पर आएंगे। क्लियर? ओके, सो द स्टोरी इज, एक नेस्ट होता है, उसमें ना 3 एग्स होते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं एग्स हैच होते हैं, तो 2 एग्स में से बेबी क्रोज आते हैं और 1 एग में से बेबी पैरट आता है। अब थोड़े थोड़े दिन चलते जाते हैं, वो बेबीज थोड़े थोड़े बड़े होते हैं और वो बोलना सीखते हैं। अब जैसे ही वो बोलना सीखते हैं ना, तो वो किसकी साउंड निकालना सीखते हैं? क्रो की। तो एनीवन नोज व्हाट्स द साउंड ऑफ द क्रो? किसी को पता है क्रो की साउंड क्या होती है? एनीवन हु वुड लाइक टू शेयर? ओके, अक्षिता। काऊ काऊ। डेफिनेटली यस, काऊ काऊ। तो वो काऊ काऊ करना ही सीखते हैं। तो तीनों बर्ड्स अपना काऊ काऊ कर रहे होते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि एक ना बिग पैरट होता है, वो वहां से जा रहा होता है, तो वो छोटे बेबीज की काऊ काऊ सुन के ना वो साउंड से अट्रैक्ट करती है। उसका मन करता है वो जाके देखे। हमारा भी मन करता है ना, जब हम छोटे बेबी की साउंड सुनते हैं तो हमारा भी मन करता है हम जाके देखे बेबी क्या कर रहा है, राइट? तो उस पैरट का भी मन वैसे किया। अब वो जाता है और वो जैसे ही नेस्ट में देखता है वो शॉक रह जाता है। कहते हैं ये क्या, इसमें तो पैरट है जो काऊ काऊ कर रहा है साथ में। तो वो उस बेबी पैरट को कहता है, पैरट आप ना पैरट हो, आप क्रो नहीं हो, तो आप क्रो की साउंड क्यों निकाल रहे हो? पैरट की साउंड काऊ काऊ नहीं होती। अब उसके बात सुन के पैरट को गुस्सा आ जाता है, बेबी पैरट को, और वो कहता है मैं क्रो ही हूं, और वो बोलता है काऊ काऊ। फिर उसको बिग पैरट बोलता है कि नहीं बेबी, आप क्रो नहीं हो, आप अपने आप को देखो, आप क्रोज को देखो, आप उनके जैसे कहाँ दिखते हो, आप क्रो नहीं हो, आप पैरट हो, और पैरट की साउंड काऊ काऊ नहीं होती। इस पर बेबी पैरट और गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैंने कहा ना मैं क्रो ही हूँ, काऊ काऊ। अब बिग पैरट कुछ नहीं कर पाता, वो उड़ जाता है। क्या समझाए वो, बेबी नहीं समझ रहा। तो वो उड़कर एक पास वाले ट्री पर जाता है और वहां पर बहुत सारे पैरट्स बैठे होते हैं, तो उनको जाकर वो शेयर करता है इससे स्टोरी सारा। तो वो सब पैरट सोचते हैं और कहते हैं कि चलो हम इनके साथ ना एक गेम खेलते हैं। तो सारे पैरट्स उठते उस ट्री पर आते हैं जहाँ पर नेस्ट था। उनमें से एक पैरट बोलता है बेबीज को कि हम ना गेम खेलने आए हैं, आप हमारे साथ गेम खेलोगे? वो तीनों बेबीज बड़े खुश होके, यस यस वी आर एक्साइटेड, हमें गेम खेलनी है, बताओ क्या गेम है? तो बिग पैरट बोलता है कि गेम ये है कि मैं एक साउंड निकालूंगा और आप मुझे कॉपी करोगे। तीनों एक्साइटेड हो जाते हैं बेबीज, वाओ आज हम नई साउंड सीखेंगे, बड़ा मजा आएगा, मुझे तो खेलना है, मुझे तो खेलना है। तीनों आर रेडी टू प्ले। अब बिग पैरट साउंड निकालता है की की। अब फर्स्ट बेबी क्रो साउंड निकालने की कोशिश करता है, नहीं निकाल पाता, उसके माउथ से काऊ काऊ ही निकलता है। फिर सेकंड बेबी पैरट आता है, वो साउंड निकालने की कोशिश करता है, वो नहीं निकाल पाता, क्या साउंड निकालता है? काऊ काऊ। अब आती है बेबी पैरट की टर्न। अब आपको क्या लगता है बेबी पैरट कौन सी साउंड निकालेगा? साउंड बेबी पैरट विल टेक अप, एनीवन? ओके, रायना। I think Arayana has sent it wrong. Wait. Yeah. Arayana? मैम पैरट अपनी पैरट की साउंड निकालेगा ना, जैसे वो निकालता है मैम साउंड, अपनी जो उसकी साउंड है वो निकालेगा मैम। Definitely. And हम क्रो भी इसलिए नहीं निकाल पाए क्योंकि क्रो अपनी साउंड निकालेंगे। Definitely. तो पैरट डेफिनेटली अपनी ही साउंड निकाला, which was kinky. अब जैसे उसने की बोला, वो 2 मिनट सोचता रहा कि क्रोस तो ये साउंड नहीं निकाल पाए पर मैंने निकाल ली, इसका मतलब कि मैं पैरट हूँ, मैं क्रो नहीं हूँ। और वो अपने आप को पहचानता है कि मैं पैरट हूँ और वो उड़ जाता है। ठीक है, अब इस स्टोरी में मुझे ये बताओ, जब अपने आप को पैरट कहता है कि मैं क्रो हूँ, जब वो अपने आप को क्रो से आइडेंटिफाई कर रहा है, तो क्या वो ठीक कर रहा है सानवी? मैम नो मैम, बिकॉज जब तक उसे पता नहीं था कि वो क्रो है या फिर पैरेट, हमें ऐसा लगता था कि वो क्रो ही है क्योंकि वो क्रो की उसमें रहता था मैम, एनवायरनमेंट में। तो मैम उसे लगता था कि मैं क्रो, राइट, क्योंकि वो क्रोस के ही साथ था तो उसको लगता था कि वो क्रो है। डेफिनेटली बट एक्चुअली वो ये रॉन्ग कर रहा था। क्यों ये रॉन्ग कर रहा था? क्यों? अगर वो अपने आप को ही पहचान रहा था तो उसमें वो क्या गलत कर रहा था? व्हाट वाज रॉन्ग अबाउट इट? हमें इतना तो पता है वो उनके साथ ही रह रहा था, उसने कभी पैरट को देखा ही नहीं था, तो इसलिए वो सोच रहा था कि मैं भी करूं। ठीक है, इतना हम सबको समझ आया? गिव मी अ थम्स अप इफ यू ऑल एग्री। ओके, तो उसको इतना समझ आया, किसी और को नहीं दिखा, कभी पैरट नहीं दिखा, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्रो ही है। बट अगर वो अपने आप को हमेशा क्रो ही समझता रहेगा तो क्या असर आएगा उस पर? हाउ विल इट अफेक्ट हिम? क्या फर्क पड़ेगा उस पर? आ रहा है ना मैम? अगर वो अपने आप को हमेशा क्रो ही समझता रहेगा तो उसकी जो पैरेट फ्रेंड्स जो होंगे वो उस पे, मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा हंसेंगे कि ये क्रो है, ये पैरेट है, तो वे इसको ऐसा क्यों लगता है कि ये क्रो है। और जब तक उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो एक पैरेट है, मतलब उसको पैरेट फ्रेंड है, उसके ऊपर हंसेंगे, इसको पता ही नहीं है कि ये पैरेट है। Okay, so people will make fun of him, right? But अब थोड़ा सा ये सोचिए कि उसके ऊपर क्या असर आएगा। यूहान्स मैम, इनके ऊपर ये पैरेट के ऊपर ये असर पड़ेगा कि वो कभी पहचान नहीं पाएगा कि वो पैरेट है कि नहीं। डेफिनेटली वो कभी अपने आप को पहचान नहीं पाएगा, वो कभी अपने आप को जान नहीं पाएगा कि वो क्या है, राइट? सो दिस थिंग हैपन्स विद ऑल ऑफ अस। हम सब क्रोज हैं, सॉरी पैरट्स हैं अपनी लाइफ में, उस बेबी पैरट की तरह। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। यस और नो? वो डांस में अच्छा है, वो पढ़ाई में अच्छी है, वो प्ले करने में अच्छा है, मैं नहीं हूँ। उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। तो हम अपने आप को तो पहचानते ही नहीं, हम तो अपने आप को दूसरों से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे कि वो पैरट कर रहा है। और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते, हम अपने आप को नहीं पहचानते। और वही उस पैरेट के साथ था, क्योंकि वो अपने आप को नहीं जानता था, तभी तो वो अपने आप को क्रोज से आइडेंटिफाई कर रहा था। बट जैसे उसने वो साउंड निकाली, उसने समझा ना कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ, तब उसको समझ आया ना कि मैं कौन हूँ। हम सब के साथ यही प्रॉब्लम है। हम अपने आप को जब दूसरों से कंपेयर करते हैं ना, तब हम ये भूल जाते हैं कि हम वो नहीं है, हम तो हम है ना। और हम अपनी क्वालिटीज, अपने आप पे कभी ध्यान ही नहीं देते इस वजह से। तो ये जो टर्म है जिसको हम कहते हैं कि अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, अपने आप को पहचानना, इसे हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। तो वो जो पैरेट था वो सेल्फ अवेयर नहीं था, और हम सब भी सेल्फ अवेयर नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। हम अपने आप को ये सोचते हैं, अच्छा वो ड्राइंग में अच्छी है, मैं भी ड्राइंग में अच्छी होंगी। हमें शो ऑफ करना है या नीचे दिखाना है। तो अगर हम शो ऑफ करने के प्रोसेस में रहेंगे या नीचा दिखाने के प्रोसेस में रहेंगे, तो हम अपने आप को तो कभी कनेक्ट ही नहीं बना पाएंगे, अपने आप को तो कभी समझ ही नहीं पाएंगे, राइट? सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू बी सेल्फ अवेयर। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब मैं कहती हूँ सेल्फ अवेयर, तो सेल्फ अवेयरनेस का क्या मतलब? सेल्फ अवेयरनेस, मुझे अपने बारे में क्या पता होना चाहिए सेल्फ अवेयर हूँ अगर मैं? अब ये सोचो, सेल्फ अवेयरनेस तो समझ आया, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, बट सेल्फ अवेयर में कैसे होंगी? क्या पता होना चाहिए मुझे अपने बारे में अकॉर्डिंग टू? आई जस्ट प्रिपेयर। अपने आप से किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, अपनी क्वालिटीज पे जानना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज क्वालिटीज। हु आंसर इट? मैम अंशिका। यू सेड अंशिका? मैम यस। ऑलराइट, ओके। One second, Anshika. I just get back. Let me prepare this for a second. Okay. So definitely self-awareness. अभी जैसे अंशिका ने कहा, मुझे मेरी क्वालिटीज पता होनी चाहिए। डेफिनेटली मुझे अपनी क्वालिटीज, अपने टैलेंट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर मुझे अपनी क्वालिटीज पता है तभी तो मैं कुछ करूंगी उनके बारे में। अगर मुझे पता ही नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, राइट? सो क्वालिटीज, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि आप ड्राइंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, तो आप सोचते हो कि मुझे वर्ली आर्ट करना सीखना है या मुझे पेंटिंग का कोई फॉर्म करना सीखना है, तो आप एक्शन लेते हो ना उस चीज को करने के लिए, उस स्किल को लर्न करने के लिए, यस और नो, आप एक्शन लेते हैं राइट। तो सेल्फ अवेयरनेस में सबसे पहले चीज होती है मुझे पता होना चाहिए मुझे क्या करना है, और वो मुझे कहाँ से पता चलेगा, व्हेन आई नो माय क्वालिटीज एंड टैलेंट्स, कि मेरा क्वालिटीज क्या है और मेरा टैलेंट क्या है। अगर मुझे ये पता है तो मैं अपना एक्शन ले पाऊंगी, ओके okay? और क्या पता होना चाहिए आरायना? मैम हमें अपने फेवरेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमें क्या पसंद है और क्या हमारे डिसलाइक्स है। ओके, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, यस मैम। कैन आई पुट इट इन माय वांट्स, कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्या मेरी डिजायर्स हैं, क्या मैं चाहती हूँ, क्या मैं बनना चाहती हूँ, क्या मैं करना चाहती हूँ लाइफ में, राइट? या फिर मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, राइट? सो दैट विल गो इन माय वांट्स। तो मुझे डेफिनेटली मेरे वांट्स पता होने चाहिए। और एंड मैम हमें किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर हम कभी सोचते हैं कि वो अच्छा है तो हमें भी उसकी तरह बनना चाहिए। क्यों? अगर मेरा टैलेंट ही नहीं है स्पोर्ट्स का, या मेरा कोई टिल्ट ही नहीं है स्पोर्ट्स में, और मैं स्पोर्ट्स वाले से कंपेयर कर रही हूँ, तो मैं कैसे करूंगी? सोचो, जरूरी नहीं है कि हर वो इंसान जो हर चीज में अच्छा है मैं भी बन सकती हूँ। मेरे पास भी कुछ इनेट क्वालिटीज है ना, जिन क्वालिटीज की वजह से मैं हूँ। सो थिंक अ लिटिल मोर अंशिका। Johans, please unmute. Yes, ma'am. और क्या पता होना चाहिए सेल्फ अवेयरनेस में? मुझे मेरे एक्शंस, क्वालिटीज पता है, मेरे वांट्स पता है, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और मैम हॉबीज, तो हॉबीज भी हमारे एक्शंस ही हुए ना। यस मैम। और सोच सकता है कोई? सानवी? मैम यस। या और क्या पता है? ओके, हम क्या सोचते हैं? माय थॉट्स आर इम्पोर्टेंट इफ आई वांट टू बी सेल्फ अवेयर। हम कैसे फील करते हैं, हमारी फीलिंग्स, ये सेल्फ अवेयरनेस है। एंड लास्ट, ऑब्जर्व, आप कैसे हर चीज को देखते हो, समझते हो, दैट सेल्फ अवेयरनेस। अब मैं यहाँ इन तीनों का छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। थॉट्स, लेट्स से आपकी फाइट हुई आपकी फ्रेंड से अभी, ठीक है, और आप घर पहुंचते हो तो आपकी मम्मा आपको ऐसे थोड़ा सा डांट देती है, तो आप मम्मा से रूड हो जाते हो। अब रूड होने से पहले वाली सिचुएशन पर आओ, जब आपकी फ्रेंड से आपकी फाइट हुई थी, तो आप कैसा फील कर रहे थे? आप सैड थे, आप डिस्टर्ब थे, आप परेशान थे, और आपके माइंड में थॉट्स कैसे चल रहे होंगे? क्यों लड़ाई की, क्यों वो हमेशा मुझे ऐसे बोलती है, क्यों वो समझता नहीं है, क्यों वो ऐसे ही बोलती है, क्यों वो ऐसे ही बोलता है, क्यों वो मेरे साथ ऐसे रूड रहती है या रूड रहता है। ये हमारे मन में थॉट्स चल रहे हैं फाइट के बाद, राइट, जो दिखा रहे हैं कि हम डिस्टर्ब्ड हैं, हम सैड हैं। अब मम्मा ने जैसे ही कुछ कहा, हमने मम्मा से रूडली बात की। क्यों? क्योंकि हमारे थॉट कैसे थे कि वो रूड ही है, मुझसे ऐसे क्यों बात करा, है ना? तो आपने मम्मा को भी यही सोचा कि मम्मा भी मेरे से ऐसी बात करती है, और मम्मा से हमने रूडली बात कर ली, और हम ऑलरेडी अच्छा फील नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने जब हमको थोड़ा सा डांटा तो हमें और बुरा लगा, हमने और उनको ऐसे बोल दिया। सो हमारा जो बिहेवियर है वो कहाँ से आ रहा है? पहले आप कैसा फील कर रहे थे और अब आप क्या कर रहे हो। तो सेल्फ अवेयरनेस ये होती है, ये कि आपको गुस्सा आ रहा है, लेट्स से आपको किसी ने कुछ कहा, आपको गुस्सा आया, तो वो गुस्सा आपको उसी की बात पर आया या आप पहले से ही गुस्से में थे? ये सेल्फ अवेयरनेस है, राइट। तो जब आपको पता है आप पहले से ही गुस्से में थे और कोई आपको कुछ ऐसा बोल रहा है कि आपको और गुस्सा आएगा, तो अब आप क्या कर सकते हो? आप उसको बोल सकते हो ना, लुक आई एम नॉट फीलिंग फाइन, आई एम बिट डिस्टर्ब, क्या हम बाद में बात करें, क्योंकि अभी अगर आप मुझे कुछ भी बोलोगे मुझे समझ नहीं आएगा और हमारी लड़ाई हो जाएगी, आप यही बोलोगे ना, राइट? सो ये सेल्फ अवेयरनेस है, अपने फीलिंग्स और थॉट्स को समझना कि अगर हम किसी सिचुएशन को किसी तरीके से हैंडल कर रहे हैं तो वो क्या हमारे पिछले सिचुएशन की वजह से तो नहीं है। दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। सिमिलरली ऑब्जर्व यानी देखना। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में लेट्स से अरायना है, ठीक है, अरायना सानवी को बोलती है कि सानवी अंशिका ना बहुत अच्छी पेंटिंग करती है। अब सानवी इसको दो तरीके से लेगी, पहला कि ओके अरायना अंशिका की ना प्रेस कर रही है कि वो बहुत अच्छे से पेंटिंग करती है तो मुझे भी देखना चाहिए कि वो क्या करती है ताकि मैं सीख सकूं, ठीक है। और दूसरी तरीका सानवी क्या ले सकती है, अच्छा ये मुझे क्या कह रही है कि वो ज्यादा अच्छी है, मेरे को नहीं आती करनी, मैं अच्छी नहीं हूँ, राइट? हम दोनों तरीके से देख सकते हैं ना। अब ये कहाँ से आ रहा है, ऑब्जर्वेशन, कि हम चीजों को कैसे समझते हैं, हम चीजों को कैसे देखते हैं। दिस इज सेल्फ अवेयरनेस। तो क्या हम एक्चुअली वही समझ रहे हैं जो हमें सामने वाला कह रहा है, या हम कुछ और समझ रहे हैं अपनी मर्जी से, राइट? तो अरायना ने तो सिर्फ सिंपल सी लाइन कही ना कि अंशिका अच्छा पेंट करती है, उसने उसको नीचा दिखाने के लिए तो नहीं कहा। नीचा दिखाना होता तो वो उसकी इंसल्ट करती, उसने इंसल्ट थोड़ी ना करी, राइट? सो हम पे डिपेंड करता है कि हम चीजें कैसे समझते हैं। दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। तो अगर हम डिस्टर्ब थॉट में हैं तो हमारी ऑब्जर्वेशन पे भी असर आता है, क्योंकि हम ऑलरेडी परेशान है किसी चीज से, तो हमारे को कोई स्ट्रेट बात भी बोलेगा ना तो हमें गुस्सा आ जाता है, इसलिए क्योंकि हम ऑलरेडी परेशान है। कभी आपके साथ हुआ होगा, आपको बहुत सारा होमवर्क है, आप स्ट्रेस्ड हो कि कैसे खत्म होगा, टाइम कम बचा है, और उस पे आके आपका छोटा भाई या बहन कुछ बोल दे तो क्या होता है, आप उल्टा उससे लड़ने लग जाते हो, जबकि उसका इंटेंशन ऐसा नहीं होता कुछ। तो यानी ये हमारी ऑब्जर्वेशन पे भी असर पड़ाती है। ओके, सो दिस इज व्हाट सेल्फ अवेयरनेस इज ऑल अबाउट। Now before we move from here, I think Arpit wants to say something. Arpit to nahi hai. Yes child. Ma'am आप हमारा रीनेम कर दीजिए। हाँ जी बताइए। मैम अर्पिता। All right. अर्पिता fourth है। That's okay. I'll just try Arpita. Okay, thanks. Yeah. Okay. So are we all clear? हमें समझ आया सर? Yes, हमें क्या पता होना चाहिए? Okay. Ma'am, yes. छोटी सी आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है ये आपकी, जिसमें आप क्या करोगे, आप अपने आप को समझोगे थोड़ा सा, ठीक है? कैसे समझोगे, अपनी क्वालिटीज से। सबसे पहले कि आप में क्या क्वालिटीज हैं और आप क्या क्वालिटी सीखना चाहते हो। तो आप 3 क्वालिटीज ऐसी लिखोगे जो आप में ऑलरेडी है, और आप 3 क्वालिटीज ऐसी लिखोगे जो आप सीखना चाहते हो। ओके, आर वी क्लियर अबाउट दिस, राइट? सो जस्ट गेट अ शीट फॉर योरसेल्फ। आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन। सो स्क्रीन पे देयर आर सर्टेन वर्ड्स दैट यू कैन रेफर टू, अदरवाइज आप अपने वर्ड्स भी लिख सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको स्क्रीन से ही वर्ड्स लेने हैं। ओके, so you can take words like creative, confident, focused, caring, goal oriented, happy, honest, sensitive, does not give up, eager to learn, open minded, imaginative, hopeful, calm, striving, hard working, fair, loyal, forgiving, passionate, positive, kind, funny, leader, patient, curious, spiritual, humble, supportive, dependable. आप इनमें से 3 वर्ड्स या कोई भी 3 वर्ड्स जो आपके पास हैं जो आपकी क्वालिटीज को डिस्क्राइब करते हैं, आप वो लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट 3 क्वालिटीज जो आप सीखना चाहते हैं। सो जस्ट राइट इट डाउन। आई विल गिव यू 2 मिनट्स टू डू इट, 2 to 3 मिनट्स, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो क्विकली डू द वर्क। होप यू ऑल आर क्लियर कि हमें क्या करना है। जो शो मी थम्स अप इफ यू ऑल आर क्लियर कि आपने क्या करना है। Yes, Akshita. Can you try once again? You have to write your 3 qualities जिसमें आप अच्छे हो, और 3 क्वालिटीज जो आप सीखना चाहते हो। ठीक है मैम, ये ड्राइंग भी बनानी है क्या? नो नो नो, जस्ट क्वालिटीज। ओके ओके मैम, जस्ट राइट द वर्क, आई विल बी बैक इन अ मिनट। यस राशि, मैं वो गलती से रेज हैंड हो गया था क्या? Just do the work. 1 more minute, then we'll have a discussion. All right, anyone who's ready to share? Tanishq? Ma'am, मेरी strength है मैम, honest, open mind, hopeful. Okay. अब तनिष्क आप और मैम पॉजिटिव, काइंड, ओके एंड फेयर। ओके, अब मुझे ये बताओ, जब आपने ये क्वालिटीज अपनी लिखी, आप सेल्फ अवेयर हुए अपनी क्वालिटीज के, अभी कैसे आपको हेल्प करेगी? जब आप अपनी क्वालिटीज को लेकर सेल्फ अवेयर हुए, अब आपको ये कैसे हेल्प करेगा लाइफ में? आपने अपनी क्वालिटीज जानी, या आपने क्या कर सीखना है, आपने ये जाना, तो ये आपको बेनिफिट करेगा किसी तरह? यस मैम। कैसे? कि मैम मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए। ओके। और तो जब आप कहते हो मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए, तो इसका मतलब आप उसकी तरफ एक्शन भी लोगे। यस मैम। तो जब आप एक्शन लोगे, यानी आपको एक फोकस मिल रहा है लाइफ में कि आपको क्या करना है। यस मैम। ओके, सो वी से दैट यू गेट अ फोकस। ऑलराइट, राइट तनिष्क। अरायना? यस मैम, बट मेरी जो स्ट्रेंथ है मैम, मेरी लर्निंग पावर बहुत तेज है मैम, मुझे बहुत जल्दी लर्न हो जाता है कोई भी चीज़ रीड करते हुए सोचा है। एंड मैम क्रिएटिव, मुझे बहुत अच्छे क्रिएटिव करना बहुत पसंद है और मैं उसमें बहुत अच्छी भी हूँ। एंड मैम होपफुल। ओके, एंड व्हाट वुड यू, आई लाइक टू इम्प्रूव माय ड्राइंग। आई वांट टू बी पेशेंट ऑल्सो। तो कभी मुझे गुस्सा आता है तो मैं कभी हैंडल नहीं कर पाती मैम। Okay, ma'am, and ma'am, last is positive, ma'am. I want to positive always. Right. So, Araina, now how this self-awareness of your qualities will help you? ये आपको कैसे हेल्प करेगा? अब आप सेल्फ अवेयर हुए अपनी क्वालिटीज के लिए कि आपको क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स और क्या आपने सीखनी है, तो आपको ये कैसे हेल्प करेगा? मैम मैं इसके ऊपर एक्शन लूँगी। जैसे मैं माय ड्राइंग, मुझे इम्प्रूव करना है ड्राइंग को, तो मैं और अच्छी ड्राइंग्स बनाऊंगी तो मेरी उससे इम्प्रूव होगी मैम। ओके, सो यू विल टेक एक्शन। राशि मैम, स्ट्रेंथ का मतलब क्या था? हमारी क्वालिटीज जो स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज हैं हमें। ओके मैम, फोकस्ड, काइंड, क्यूरियस, फॉरगिविंग। और मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ कॉन्फिडेंट, हार्ड वर्किंग, फनी, इमेजिनेटिव। ओके, तो अब ये क्वालिटीज आपको अपनी पता चली जो आपकी स्ट्रॉन्ग हैं या आपको सीखनी है, तो आपको ये कैसे हेल्प करेगा? मैम फोकस्ड में वो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मैं काम पे फोकस कर सकती हूँ और किसी भी चीज पे फोकस कर सकती हूँ। और हार्ड वर्किंग, और okay, it will make you hardworking as well. All right, yes, it will definitely. Ritika, ये करते हैं हम ये इम्प्रूव करना चाहते हैं कि हमारी ड्राइंग अच्छी हो जाए। ओके, हमें ऐसे नहीं करते कि वो बनाएगा तो मैं बनाऊंगी। मैं एक बार हम ट्राई करते हैं कि अगर हम मैं भी देखती हूँ कि मुझसे कैसा बनता है। ओके, तो देन टेकिंग एक्शन, राइट? यस मैम। Johans, मैम मेरी strength is honest, caring and happy, and I like to improve my creativeness, patient and doesn't give up. Okay, and how knowing your qualities will help you? मैम like जैसे मेरे को और creative बनना है तो मैं create करूँगा, तो जब मैं create करूँगा तो मेरा mind भी sharp होगा बहुत, and मेरी creativity पावर बढ़ेगी एंड इमेजिनेशन। थैंक यू मैम। राइट, ऑलराइट। सो डेफिनेटली एक चीज आप सबने बहुत ठीक आइडेंटिफाई की कि जब आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता है या जब आपको पता है कि आपको किस चीज पे वर्क करना है, तो आपको एक डायरेक्शन मिलता है कि मुझे ये सीखना है। तो जब आपको डायरेक्शन मिलता है तो आप फोकस्ड हो जाते हो दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। और जब आप फोकस्ड होते हो आप कभी अपने आप को कंपेयर नहीं करते, क्योंकि अब आपको क्लैरिटी है, आपको पता है कि आपको क्या करना है। दैट्स वन थिंग दैट सेल्फ अवेयरनेस गिव्स अस। इट गिव्स अस फोकस, इट गिव्स अस डायरेक्शन। तो जब हमें पता है हमें क्या करना है, हमारे पास फोकस है, हमें अपनी स्किल्स पता है, तो डेफिनेटली हम और कॉन्फिडेंट होते हैं उस काम को करने के लिए। सो विच मीन्स हम हार्डवर्किंग भी बनते हैं और हम कॉन्फिडेंट भी बनते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस हमें कॉन्फिडेंट बनाती है, हमें डिटर्मिन्ड बनाती है, हमें हार्ड वर्किंग बनाती है, हमें फोकस देता है। और अगर हम अपने आप को नहीं जानते तो हमें क्लैरिटी ही नहीं है ना हम क्या कर रहे हैं, तो फिर हम अपने आप को और परेशान कैसे करते हैं, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके। ओके, सो विच इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो आवर क्वालिटीज। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। अब हमने क्वालिटीज अपने एक्शन समझे सेल्फ अवेयरनेस में। अब नेक्स्ट पार्ट पर हम आते हैं फीलिंग्स। हम सब फील करते हैं, राइट? हम सब सैड होते हैं, हम सब एंग्री होते हैं, हम सब स्केयर्ड होते हैं, हम सब एक्साइटेड होते हैं, हम सारे इमोशंस सेम फील करते हैं, लेकिन हम किस सिचुएशन में फील करते हैं वो हम सबके लिए अलग है, तभी वी ऑल आर डिफरेंट. ओके, अब जैसे लेट्स से आपका ब्रदर अगर आपको इरिटेट करता है तो आप जरा से गुस्सा हो जाते हो, बट अगर आपकी फ्रेंड है उसको उसका ब्रदर या सिस्टर इरिटेट करता है वो बहुत गुस्सा हो जाती है. देखो चेंज आया ना, आप जरा से परेशान हुए वो ज्यादा से हो गई, तो अलग हो गए हम. उसी तरीके से हो सकता है जिस चीज से आप हैप्पी होते हो मैं नहीं होती, और जिसमें मैं हैप्पी होती हूँ उसमें आप नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी व्हेन आई एम रीडिंग बुक विद माई चाइल्ड, आई एम वेरी हैप्पी देन. ठीक है, लेट्स से यू आर हैप्पी व्हेन यू गो आउट विद योर फ्रेंड्स एंड प्ले, राइट? तो हम सब इमोशंस तो सेम फेस करते हैं, बट हम कितना एक्सट्रीम या कितना लो लेवल पर कर रहे हैं और किस सिचुएशन पर कर रहे हैं वो हम सबके लिए अलग होता है. So the second activity is a bit of a self reflection. अब आप अपने बारे में थोड़ा सा और अवेयर होगे, थोड़ा सा और एनालिसिस करोगे ये जानने में कि आप कब हैप्पी होते हो, आप कब सैड होते हो, कब आप घबरा जाते हो, ओके, वरिड, कब आप हैरान हो जाते हो, सरप्राइज्ड. तो वो हम कैसे करेंगे? वो हम करेंगे by another activity, and the another activity is we'll be making a emotion wheel for ourselves. I'll just share the emotion wheel. So this is the emotion wheel. अब इस wheel में आपको 8 emotions दिखेंगे: happy, angry, worried, घबराना, proud, when are you proud on yourself, sad, आप कब उदास होते हो, excited, surprised, आप कब हैरान होते हो, scared, आप कब डर जाते हो. Okay, so these are 8 emotions. अब आपने ये व्हील कैसे करना है? आपने पहले इमोशंस लिखना है, उसके बाद हर इमोशन के नीचे आपने सिचुएशन लिखनी है कि किस सिचुएशन में आप हैप्पी होते हो, किस सिचुएशन में आप वरिड होते हो, किस सिचुएशन में आप सैड होते हो, तो आप वो लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है, अब वो आप लिख सकते हो एज अ स्टेटमेंट, या आप पिक्चर बना सकते हो, या आप दोनों कर सकते हो, राइटिंग भी एंड मेकिंग पिक्चर्स ऑल्सो. सो यू कैन बी एक्सट्रीमली क्रिएटिव इन दिस वर्क, इट्स बिकॉज इट्स योर इमोशन व्हील. So it's your choice how creative you want to be. So for example, अगर मैंने happy का आपको example दिया that I get happy when I read with my child, तो मैं यहाँ line भी लिख सकती हूँ when I read with my child, या फिर यहाँ मैं picture बना सकती हूँ एक book का, and I can make stick figures of myself and him showing that I am happy in this situation. या मैं दोनों काम कर सकती हूँ, मैं picture भी बना सकती हूँ और मैं लिख भी सकती हूँ, right? So this is the emotion wheel. Just quickly make this wheel with yourself, and then you can start filling it. Okay. Yes, Anvi. मैम मेरे को इमोशनल व्हील का बताओ. इमोशन व्हील का समझना है दोबारा या आपको कुछ बताना है? मेरे को पूछना है. हाँ पूछो बेटा. मैम इस सबका लिखना है मैम, या फिर 4 या 1-2 का लिखना है? सारे बेटा, ऑल 8 इमोशंस. ओके मैम, मेरे 2 है. ये सारा है ना? मैम तो हमें ये इमोशन भी बनाना जरूरी है, फिर हम एक जैसे कोई भी जैसे फीलिंग लिखे हमारी, और उसके नीचे जिसमें हम हैप्पी होते हैं फिर स्केयर्ड होते हैं वो लिख दें, तो फिर व्हील बनाना जरूरी है, व्हील में ही लिखना है. व्हील एक तरीके का ग्राफिक है. ग्राफिक का मतलब ये होता है कि आप जैसे ही एक बार में देखोगे आपको पता है आपने क्या लिखा है. जब हम स्टेटमेंट्स में लिखते हैं ना, हम जब एक बार में उसे देखते हैं तो हमें याद नहीं होता, हमें पढ़ना पड़ता है सारा. तो ये एक तरीके का ग्राफिक ऑर्गेनाइजर होता है. तो इट्स अप टू यू व्हाट यू फील और नॉट, बट द पर्पस ऑफ दिस वाज कि जैसे ही आप एक नजर में देखो आपको पता है कि आपने किस सेक्शन में क्या लिखा है. रेस्ट इज अप टू यू, बट यू हैव टू राइट फॉर ऑल एट इमोशंस. मैम तो मैं जैसे फीलिंग लिख दूंगी. हाँ, फीलिंग भी लिख के स्टेटमेंट लिख सकते हो, मैं उसके लिए मना नहीं करी, मैं सिर्फ आपको ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का पर्पस बता रही हूँ क्या होता है. ओके ओके एंड अनदर थिंग पीपल, जब आप ये व्हील कंप्लीट कर लोगे, मुझे आपसे सिर्फ 2 क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए इस व्हील में से। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जब आपने ये एक्टिविटी किया, जब आपने अपने बारे में ये लिखा, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया, आपने क्या समझा अपने बारे में। ओके, सेल्फ अवेयरनेस क्या थी आपकी। एंड सेकेंड क्वेश्चन, कोई आहा मोमेंट अगर आपका है कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अरे मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, दैट्स योर आहा मोमेंट, जो अचानक से आपको कोई चीज स्ट्राइक करती है व्हाइल यू डिड समथिंग। ओके, सो वंस यू मेक दिस, आई जस्ट हैव दीज 2 क्वेश्चंस टू आस्क फ्रॉम यू। सो फॉर दिस इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू राइट, बिकॉज अगर आप लिखोगे तभी आप एक्सपीरियंस कर पाओगे इस एक्टिविटी को और शेयर कर पाओगे। ओके, सो जस्ट क्विकली मेक द व्हील, else you can take the screenshot of it or you can click the picture. After 1 minute I'll stop the screen share, so you can take the image of it or you can as a screenshot or click the picture of it with yourself. Yes Rashi ma'am, हमें इस एक्टिविटी में क्या करना है? आपने सिचुएशंस देखने हैं बेटा कि आप कब कौन सा इमोशन फील करते हो, आपको गुस्सा कब आता है, आप हैरान कब होते हो, आप परेशान कब होते हो, आप डर कब जाते हो। सो वरीड, स्कैर्ड, सरप्राइज्ड, आपको सिचुएशंस बनाने हैं अपने। ओके सानवी, इज देयर सम डाउट? Okay, I'll stop the screen share here and I'll just tell you the homework, what you have to do as a part of your work. So you have to complete your emotion wheel, that's one thing. And second is do page 15 and 16 of your book. सो पेज 15 एंड 16 फीलिंग्स के ऊपर है, उस पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप आंसर करिएगा जस्ट टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। सो इट इज अबाउट यू, आप अपने लिए थोड़ा सा और सेल्फ अवेयर हो रहे हैं बाय नोइंग योर फीलिंग्स बेटर। So there are a few situations and questions there. Just answer those to connect with yourself more and to become self-aware. Okay, then see you all. We'll meet again. Have a wonderful day. Bye. Okay, people. Bye-bye. क्या कर सकते हैं?